अध्यक्ष महोदय, बिहार में सातवें चरण की शिक्षक बहाली पिछले 4 सालों से लंबित है। लाखों शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षकों का अभाव झेल रहे करोड़ों छात्र इस बहाली का इंतजार कर रहे हैं। सरकार से चलते सत्र में नई नियमावली को कैबिनेट मंजूरी देकर तत्काल विज्ञप्ति प्रकाशन की मांग करता हूं। माननीय श्री रामबलि सिंह यादव, उत्क्रमित किया गया है प्लस टू के लिए या उच्च विद्यालय के लिए, वहाँ कुछ शिक्षकों के प्रतिनियुक्त करके पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भूसड़ा में 2020 में ये हाई स्कूल का उच्च विद्यालय का प्रतिनियुक्त ये अपग्रेडेड किया गया, लेकिन वहाँ प्राइमरी विद्यालय के ही 4 शिक्षक हैं जो अभी तक वहाँ कार्यरत हैं। बाद में 2022 में 2021 में आप सप्लीमेंट्री पूछिए, सप्लीमेंट्री है महोदय, मूल पर आइए, मूल पर आइए। मूल पर कह रहे हैं कि 2 टीचर का वहाँ ये प्रतिनियुक्त किया गया, लेकिन आज तक वो ज्वाइन नहीं किए, और उसमें भी वो प्राइमरी विद्यालय के ही शिक्षक को वहाँ ये किया गया। इसी तरह से कई विद्यालय जो है, बेलाव है, राजपुरा है, टेरी है, उसरी है, बलिदाद है, सक्री है, पहलेजा है, उसके बाद भदासी है, शर्मा है, ये कई बेलखरा है, इस तरह के अपग्रेड किया गया है विद्यालय, लेकिन उसमें शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है और न ही भवन का निर्माण हुआ है जो उच्च विद्यालय। बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग महोदय, उत्तर में जो प्रतिवेदन आया है जिला शिक्षा पदाधिकारी का, उसके अनुसार प्रतिनिधि शिक्षक वर्कस का संचालन कर रहे हैं। अगर माननीय सदस्य को आपत्ति है तो दिखवा लेंगे। माननीय महानंद बाबू जी, प्रतिवेदन आया है जी, छात्र और शिक्षक के अनुपात के संबंध में प्रतिवेदन आया है, पर भी आपने पूरक पूछा। माननीय मंत्री जी का कहना है कि मैं इसको दिखलवा लूंगा।